बोलो गाइस, चंपक लाल जेठालाल गड़ा और मैं आज आया हूँ। तो क्या बोलते भाई लोग, मैं आया हूँ आज आटोमल की राजधानी में। आटोमल की राजधानी नागपुर की राजधानी गाइस। मैं थोड़ा भयक गया था, दूसरे रास्ते पे चला गया था, पर जब भी मैं आया हूँ तो सही जगह पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से इंटेलिजेंट लोग मिले हैं। किसी के पास 70 करोड़ की जायदाद है, किसी के पास 80 करोड़ का दिमाग। तो देखते हैं उनसे बातचीत करके 2 मिनट के लिए। तो चलिए दोस्त। अबे वो रैम्बो का बाप है, टर्मिनेटर का चाचा है, रॉकी का दादू है और ब्रूस का नाना है, लास्ट एक्शन हीरो वो। एक्चुअली अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा था। अच्छा, मैंने सोचा आपकी आगे कुछ दबदबा दिख रहा है चौक में, जगह वगह आपकी बैनर दिख रहे हैं, ये सब अपने ही लगा है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ लोगों ने बात कर ली, बोलेंगे आपकी मन की बात बोलेंगे बोलेंगे ना बोलेंगे आपका यहाँ पे दबदबा एक दो शब्दों को बता दीजिए हमारे ऑडियंस को। हमारी ऑडियंस आपको बहुत लाइक करती है। ठीक है ठीक है। वैसे मैं किसी को बताता नहीं हूँ, मैं जो बता रहा हूँ तो मेरा नाम है, सबसे पहले बता दूँ कि मैं नागपुर सिटी का सबसे बड़ा रईस आदमी हूँ। मेरा नाम है देसी कलकत्ता और बेचता हूँ मैं ये चौक पे सलबत्ता। आओ कभी सलबत्ता लेने, इसके साथ सुनने मिलेगा गोभी का पत्ता। सच में काफी वजन है तो मेरे पापा की थी, जीएम को 500 करोड़ का उधार दे दिया था, वो दिया नहीं तो उसने भाग गया, तो मेरी सोच हो गई थी पापा को चाहे तो चल रहा है। पर ये आपके राज में मोदी जी के बैनर वगैरह फट रहे हैं, ये अच्छा लगता है क्या? नहीं नहीं, जो मोदी जी के बैनर आ रहे फटे थे जिन बंदों ने फाड़ के ना, उन पर भी अभी केस चल रहा है। तो आप दूसरा बैनर क्यों नहीं लगवा देते हो आप? मोदी मेरा ये कहना था कि आपको दूसरा बैनर क्यों नहीं लगा दी? 15-16 का आता हूँ, मोदी ने पैसे नहीं दिया था ना, इसलिए मैंने लगाया नहीं। तो मैं क्या बैनर का मैंने सोने की मूर्ति बनाने वाला था उसकी मूर्ति। आपके सहकारी लोग बहुत हंस रहे हैं, जाहिर नहीं हुआ ये सहकारी लोग बहुत हंस रहे हैं आपके इधर के लिए। तो ये इधर के लिए अभी 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 नए नए रखे ना ये काम। सैलरी कुछ 8-9 हज़ार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसको देता हूँ मैं 15 लाख रुपये। ओह नो, इसको देता हूँ मैं लेवल लेवल लेवल, इसको देता हूँ 30 लाख रुपये करने वाला, इसलिए तो 8,000 रुपये। कुछ ये पैसा वगैरह बड़ी बात है और काफ़ी बड़ी बात है कि इनको 30-30 लाख रुपये पेमेंट रहने के बावजूद भी इनके पास में काम करके और इनके पास में गाड़ी वगैरह की भी गाड़ियाँ फैशन पे ये तो इनकी बड़कपना है कि फैशन पे बैठे ऐटो से नीचे नहीं उतरते ये लोग। ऐटो वगैरह कुछ सॉरी ऐटो बोल रहा हूँ, रेंज रोवर है अपनी पर वो कैसे ड्रा होगी ना इसको। ये आपके मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि ड्रा वगैरह ये लोग तो पेट्रोल डाले थे उसमें और मेरा ड्राइवर लेके गया था घूमने, तो ड्रा होगी बोले तो मैंने बोला जा मेरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा ले 10-20 हज़ार का। पेट्रोल पंप कुछ चाहिए? हाँ पेट्रोल पंप कुछ चाहिए वो आते होते हैं। तो आप मतलब काफ़ी बिजी रहते होंगे। हाँ बहुत। तो आप मतलब क्यों आप दोस्तों के पीछे ये आपकी गाड़ी? नहीं नहीं, ये दूसरों की गाड़ी है नहीं, ये अपना एक पार्किंग लॉट है। अच्छा, तो कभी कभी यहाँ पे गाड़ियाँ पूछने आ जाता हूँ मैं। अच्छा, पूछने मतलब मतलब देखभाल कर रहे हैं। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, हाँ। 1 किलोमीटर अंदर मेरा घर है, हाँ। काफ़ी दूर से मिलने आया हूँ आपकी धरती से, मतलब 4 साल पहले से। पहले आप काफ़ी गरीब नहीं होते और आपका कुछ बिजनेस वगैरह नहीं था, बाल वगैरह को आप काफ़ी पैसा उगा के बोलते लंदन में, काफ़ी यूट्यूब के काफ़ी नेम बनते आपके।
ये छोटू का आपको बुलाया था किसी कारोबार के लिए? तो मैं बताने वाला था, क्या बता रहा था मैं? कुछ बता रहे थे आपकी कलकत्ते का कारोबार है आपका, फैक्ट्री वगैरह प्रोडक्शन की, जो खलबत्ते का जो जो लोहा से खलबत्ता बनता है ना, तो इसको मैं बोरी देता हूँ, ये गांव गांव चुन के मतलब घूम के नहीं क्या, तो ये लोहा चुनता है वो बोरी भर भर के मेरे घर पे मतलब फैक्ट्री में लाता है, मैं वहाँ पे पिघला के खलबत्ता बनवाता हूँ। वाह वाह, ये है तो खलबत्ते बनता है। जो होता है, एक सेकंड, पकड़ दो। नहीं फैशन है, प्लेटिनम लग रहा है ये। अच्छा ये हाँ, वो सोने से भी ऊपर का एक लेवल का प्लेटिनम। ये ओ नो, आई थिंक बहुत है दोस्तों। अभी इनकी निजी जिंदगी का बहुत कुछ सुन लिया है आपने इन्हीं की जुबानी, पर हम कुछ इनकी बिजनेस लाइफ के बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये आप दो लगा इंट्रो के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार आपको क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बोल दीजिए कि चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ, ये जमा भी एक भाई की बात है, क्योंकि ये चौक पे भाई के बैनर लगे हैं जहाँ वहाँ, कभी आएंगे तो देखिए। भाई दो शब्द हमारे ऑडियंस के लिए, आप आओ कभी नागपुर में, क्योंकि मैं रहता हूँ बर्डी में, वहाँ पर रहती है बहुत गर्दी, क्योंकि आप पोहे के साथ मिलते हैं चने की तर्री, आना कभी, अपने पोहे के स्टॉल है पूरे, खा के चले जाना फ्री में, 2 रुपये दे देना कभी कभी, वो आपने वाह 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 वाह। ये जो पोहे की दुकान वगैरह है वो आपकी निजी है या फिर दूसरों? नहीं वो अपनी है, बट क्योंकि मेरे घर के जो नौकर लोग हैं ना, नौकर तो बोलते नहीं कि मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, उन लोगों ने मुझे पाला, भैया भैया बोलते हैं, हाँ भैया भैया बोलते हैं, तो उनको दे दिया हूँ मैं कभी कभी छुट्टी के दिन, तुम पोए बेचो मतलब। तो आप आपके बिजनेस कितने कितने हैं वो आप जरा हमारे ऑडियंस को? हाँ मेरा सबसे मेन बिजनेस है वो तो आपको पहले ही बता दिया मैंने कि मैं बेचता हूँ खलबत्ता, और उसके खलबत्ते का प्रोडक्शन वगैरह। हाँ खलबत्ते का प्रोडक्शन है अपना। तो दोस्तों वो जो शख्सियत हमारे हाथ में थी वो अभी बोरिया बिस्तर लेके अपना लोहा चुनने चली गई है, तो जाने दीजिए अपना क्या जा रहा है। अपन जाते हैं घर पे, दाल भात वगैरह खाते हैं, दाल भात नहीं एक्चुअली पनीर की सब्जी बनी है मेरे घर पे, पालक पनीर का कली मसाला वगैरह ला के दिया मैंने सब। तो ऐसी बड़े बड़े शख्सियत से मिलाना होगा आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। कैमरा एंगल अच्छा नहीं आ रहा है। हाँ अभी कैमरा एक्चुअली, अगर आप हमको ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो हम अच्छा कैमरा ले लेंगे, ये अभी ओप्पो का झोपो मोबाइल है हमारे पास में, बहुत ही घटिया सा। तो चलिए दोस्तों ख़त्म करते हैं।